हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिहारी स्टाइल में भाटी। ये भाटी बहुत ही टेस्टी लगता है, देख ही रहे होंगे आप लोग। देखिए, गर्मा गर्म हमारी भाटी तैयार है। अब हम बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक कटोरे में 200 ग्राम के करीब हमारा गेहूँ का आटा है और 100 ग्राम के करीब मेरा मैदे का आटा और वन हाफ स्पून मीठा सोडा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऑयल। अब इन सब के लिए हम अपने बढ़िया सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो हमने एक बड़ी थाली ली है ताकि आराम से हमारे जो है डो बनके रेडी हो जाए। तो हमने गेहूं का आटा डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे मैदे का आटा। मैदे के आटे से हमारा जो है बाटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, जैसा भी कम ज़्यादा हम चाहेंगे ऐसा हम ले सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इससे जो है हमारी जो है बाटी बहुत ही फ्लफी बनेगी, बहुत ही और भी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देगा। और मोयन लेंगे 50 ग्राम के करीब, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चाहे अपने हाथों से मिक्स कर लें और चाहे स्पून से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बढ़िया जैसा भी हम अपने डो को तैयार करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। और फिर बहुत ही सॉफ्ट डो अपने हाथों से गूंद के बढ़िया रेडी कर लेंगे। और हमारा बढ़िया डो बनके रेडी हो चुका है। अब हम जो है एक बड़े जो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और 1 घंटे के लिए बढ़िया इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। एक ढक्कन या किसी प्लेट से ऑयल लगा के रख देंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हम बाटी के अंदर मसाला भरेंगे सत्तू, अब उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो सत्तू बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो हमने लिया है 100 ग्राम के करीब सत्तू। आप चाहे तो घर पे बेसन चने को जो भुना हुआ चना होता है उसे पिसा सकते हैं, अगर नहीं तो आप मार्केट से भी बना बनाया सत्तू ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने सत्तू लिया है और लहसुन है, हरी मिर्च, कटी हुई बारीक प्याज, मैंने डाला सत्तू। एक बड़ा बाउल में डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सत्तू मिक्सअप हो पाए। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, ये भी हमारे जो अंदर जो मसाले हैं इस टेस्ट को और डबल कर देगा। और फिर हम जानेंगे कलौंजी 1/4 स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। इन सब को अच्छे से हम मिला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मैंने इसमें डाला प्याज, हरी धनिया। इसमें हम डालेंगे 2-3 स्पून सरसों का तेल। इससे हमारी जो अंदर का मसाला है वो बहुत ही टेस्टी। अचार का मसाला 1 स्पून ताकि हमारे जो सत्तू है उसमें खटास और बढ़िया चटपटा बन के रेडी हो, ताकि जब हम अपनी बाटी को खाएं तो हमारे वो उसको डबल टेस्ट कर दे। अब 1 स्पून से हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आप बाटी के साथ चोखा खाना पसंद करेंगे। तो हमने चोखे की रेसिपी तो आप लोगों को शेयर नहीं करी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमने ज़रूर दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर करेंगे। तो हमने गैस पे थोड़ा सा 2 बैंगन बड़े साइज का और 1 टमाटर अच्छे से भून लिया है। और फिर उसके बाद हमने आलू उबाल लिया है, उसमें टमाटर, मिर्च, नमक, धनिया, प्याज, जो भी चोखे में लगता है सब कुछ हमने इसमें डाल लिया है। और बहुत ही टेस्टी हमारा चोखा बनके रेडी होगा। और इसमें हम डालेंगे मिर्च और धनिया का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और बैंगन जो हमने भून लिया उसके छिलकों को उतार के हमने पहले से ही रख लिया था। तो इसमें हम ये डाल लेंगे बैंगन
चोखे में बैंगन का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। वैसे आप आलू और टमाटर का भी चोखा खा सकते हैं, लेकिन चोखा जो है बैंगन डाल लेंगे तो हमारा चोखा और भी टेस्टी हो जाएगा। सरसों का तेल, इन सबको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब अपनी हम जो बाटी है बढ़िया, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट के इसमें हम मसाला भर के बाटी रेडी कर लेंगे। तो हमने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा हमें सत्तू को इसमें नहीं भरना है, 1 स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे और बहुत ही अच्छे से बंद करके इसको हम तलेंगे और मीडियम ही साइज की इसकी लोइयाँ हम तोड़ेंगे। अब हमने एक लोई ले ली है और उसको हम बढ़िया एक गड्ढे टाइप में बना लेंगे ताकि उसमें हम सत्तू अच्छे से भरे और रेडी हो। तो गड्ढा बना के हमने 1 स्पून के करीब सत्तू डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से चारों तरफ से कवर कर देंगे और फिर गोल गोल कर देंगे ताकि हमारी बाटी जो है बहुत ही चिकनी हो जाए। अब हम दूसरी बाटी लेंगे, मतलब लोई, और उसको भी सेम प्रोसेस, ऐसे ही सेम गड्ढा बना के उसमें हम 1 स्पून के करीब उसमें हम सत्तू डालेंगे और ऐसे ही चारों तरफ से हम उसे बंद कर देंगे और हमारी बाटी जो है बनके रेडी हो जाएगी। अब सारी जो हमने जितने भी आटे हैं ऐसे ही लोइयां तोड़ के सेम बाटी रेडी कर लेंगे और फिर बढ़िया डीप कढ़ाई में ऑयल को डाल के बढ़िया गोल्डन, जब तक हमारा बाटी नहीं हो जाएगा, बहुत ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें अपने बाटी को पकाना है और हमारी बाटी बिहारी स्टाइल में बनके रेडी हो जाएगी। तो आप लोग अपने घर पे ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, आप लोग के घर पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो अब हमारी बाटी बनके रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं आप लोग कितने गोल्डन कलर में हमारी बाटी बनके रेडी हो चुकी है। आहा, क्या चोखा बनके रेडी हुआ, देखिए आप लोग के मुंह में तो पानी आ गया होगा अपने अनुभव सास बहू दुनियादारी।